हे एवरी वन वेलकम टू माई चैनल डिस्कवर स्टडी विथ योर पॉलिटिकल साइंस मेंटर प्रीति बोरा दोस्तों मैं स्वागत करती हूँ आपका लेसन नंबर नाइन ऑफ़ पॉलिटिकल साइंस फैक्ट्स रिविजन यानी कि राजनीतिक विज्ञान का तथ्य पुनरीक्षण यानी कि हम क्या करेंगे रिवाइज़ करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपके एग्जाम में बार बार आ सकते हैं वन लाइनर की फॉर्म में ठीक है मैं आपको इस तरीके से करा देती हूँ कि इससे सारे एग्जाम यू जी सी नेट जे आर एफ पी जी टी टी जी टी जी एन यू एंट्रेंस हो गया पी एच डी एंट्रेंस हो गया असिस्टेंट प्रोफेसर एंट्रेंस हो गया कोई भी आपके एग्जाम होते हैं ना पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड तो वहाँ पर क्या होगा आपका कि ये सारी चीज़ें आपके बहुत काम आई ये सारे वन लाइनर हैं बार बार रिपीट होते हैं आप चाहे आप पी वाई क्यू देख लो ठीक है कोई भी एग्जाम एनालाइज कर लो तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं ठीक है uh, मैं आपको ऑब्वियसली यूनिट वाइज करा रही हूँ ठीक है जैसे यूनिट वन आपकी पॉलिटिकल थ्योरी थी लेसन नंबर वन से लेकर फाइव तक था लेसन नंबर सिक्स से लेकर अभी नाइन तक तो फिलहाल आपका वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट ठीक है ये चल रहा है और आई होप ये आपका वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट का लास्ट लेक्चर होगा राइट right, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अच्छा स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ यार लाइक कर दो मेरे चैनल को ये वीडियो को और कमेंट करके जाया करो देखो कमेंट में ना मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ बुक से रिलेटेड कि कौन सा ईयर है कब क्या हुआ था ये मैं क्यों पूछ रही हूँ क्योंकि ये सारे फैक्ट्स आपको याद करने हैं आप बोलते हो फिर याद कैसे नहीं होते हमें फैक्ट्स क्यों नहीं होते क्योंकि आप जब तक उसे लिखोगे नहीं जब तक आपको बार बार रिवाइज़ नहीं करोगे डेली जितने मैंने आपको फैक्ट बोल रखे हैं उसको याद नहीं करोगे तो कैसे याद होंगे इससे क्या होता है कि छोटे छोटे पाँच दस पंद्रह मिनट की वीडियोज़ के थ्रू आपके रोज फैक्ट्स तैयार हो जाएंगे इंपॉर्टेंट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे सबके आंसर आने चाहिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो जो फर्स्ट टाइम देख रहा है और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लो क्योंकि पेपर एनालिसिस पेपर वन और पेपर टू की एनालिसिस भी होती है ठीक है पहला तथ्य है आपके लिए मैरी वॉल क्राफ्ट कहां पे पैदा हुई थी लंदन में पैदा हुई थी और पहली सिस्टमेटिक फेमिनिस्ट क्रिटिक है आलोचक है मैंने आपको बताया था कि फ़र्स्ट वेव ठीक है फर्स्ट वेव ऑफ़ फेमिनिज्म फेमिनिज्म की वेव से मैंने आपको पॉलिटिकल थ्योरी में बताया था जो पहली वेव थी उससे ये बिलोंग करती है इनकी दो बुक्स थी ठीक है अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मेन ठीक है ये 1790 में आई थी 1790 में आई थी दूसरी बुक थी इनकी विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन ये मुझे ये बुक है बुक का सिम्बल मेरे लिए यह है बी करके मैं सर्कल डाल देती हूँ और मुझे अभी बताओ कि कमेंट सेक्शन में ये बुक कौन से ईयर में आई थी इसमें इन्होंने ना बिल्कुल एक क्रिटिसाइज़ किया था मतलब एक तरीके से एक तर्क रखा था ठीक है कि आपके ना वुमेन को जो आपकी वुमेन है उनको इक्वल राइट मिलने चाहिए इक्वल राइट मिलने चाहिए वुमेन को क्यों क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ द नोशन ऑफ पर्सनहुड क्योंकि वो भी क्या है इक्वल पर्सन है इस वजह से उनको क्या मिलने चाहिए इक्वल राइट मिलने चाहिए राइट जैसे मेल एंड वुमेन दोनों क्या है ह्यूमन बींग है ठीक है इसलिए ह्यूमन बींग है इसलिए सबको इक्वल यानी कि समान अधिकार मिलने चाहिए इस तरीके से इनका तर्क था दूसरा अकॉर्डिंग टू मेरी वॉस्ट क्राफ्ट वुमेन का ये वुमेन के बारे में क्या सोचती थी वुमेन हैज़ टू बी एजुकेटेड इनको पढ़ाना चाहिए क्योंकि जब अगर वो पढ़ाएंगे तो क्या होगा इनमें ना एक रीज़न या लॉजिक यानी कि आपकी तर्कसंगतता आएगी अगर वो आएगी तो इनमें डिसीजन मेकिंग पावर आएगी अगर डिसीजन मेकिंग आएगी तो ये क्या बन सकते हैं एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं अच्छे कंपेनियन बन सकते हैं ठीक है थीके? ट्रेंड कि गुड वाइफ बन सकते हैं बेसिकली मदर बन सकते हैं गुड सिटीज़न बन सकते हैं और इन्होंने एक बहुत ही अच्छा पॉइंट बोला था इन्होंने बोला था कि पॉलिटिक्स में भी वुमेन के अपने प्रतिनिधि इलेक्टेड यानी कि चुने हुए प्रतिनिधित्व प्रतिनिधि होना चाहिए ताकि ये इनके इश्यूज रखे बिकॉज जब तक इनके खुद के रिप्रेजेंटेटिव नहीं होंगे इनके इश्यूज सामने नहीं आएंगे इनके इश्यूज़ सामने नहीं आएंगे तो इश्यूज सॉल्व भी नहीं होंगे सॉल्व नहीं होंगे तो इक्वालिटी समानता का अधिकार तो भूल ही जाओ इस चक्कर में बोलते थे कि इक्वल राइट बोलना चाहिए मैरी वॉल क्राफ्ट का वुमेन के लिए भी कुछ सारी बेसिकली uh, सिफारिशें थी रिकमेंडेशन थी ये वुमेन को बोलती थी कि यार अपना इंटरेस्ट लो पॉलिटिक्स में ठीक है आप एस्पायर करो आप इच्छा तो करो कि आपको फुल सिटीजन की तरह मिले फुल सिटीजनशिप नागरिकता का अधिकार का मतलब क्या है कि यार आपके भी वही समान अधिकार होने चाहिए और समान कर्तव्य यानी ड्यूटी होनी चाहिए जैसे मैन के होते थे यानी कि समान अधिकार ठीक है शी वॉन्टेड वुमेन शुड भी ट्रांसफर ये बोल चाहती थी कि वुमेन कैसे और रैशनल यानी कि तर्कसंगत व्यक्ति बने और इंडिपेंडेंट निर्भर आत्मनिर्भर हो किसी और पे निर्भर ना रहे इस तरीके से मेरी वॉलस्टोन क्राफ्ट का पॉइंट था ठीक है अकॉर्डिंग टू हर उनके हिसाब से जो मैरिज है जो शादी है शुड हैव फ्रेंडशिप एज देयर ठीक है there, ये आपका बेसिस शादी का बेसिस यानी कि नीव क्या होनी चाहिए फ्रेंडशिप यानी कि दोस्ती राधा दैन कि आप फिजिकली अट्रैक्टेड हो किसी और के लिए ठीक है दैट्स ठीक है मित्र बेसिकली तीसरे नेक्स्ट आते हैं आपके जे एस मिल ठीक है जे एस मिल बेसिकली किसके डिसाइपल थे आपको पता है जेरेमी बेंथम के डिसाइपल थे जे एस मिल की अगर मैं बात करूं तो मुझे एक शब्द समझ में आता है वो है इंडिविजुअलिज्म यानी कि व्यक्तिवाद यानी कि ये व्यक्तिवाद के क्या थे समर्थक थे इनके हिसाब से इंडिविजुअल पे कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए और मतलब पहले ये बेसिकली जेरेमी बेंथम का जो यूटिलिटेरियनिज़्म था ना उपयोगितावाद उसको फॉलो करते थे यानी कि ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर बट बाद बाद में ये क्या करने लगे उसके आलोचक बन गए उसे क्रिटिसाइज़ करने लग गए क्योंकि ये बोलते हैं इंडिविजुअल के तो इंपॉर्टेंट राइट्स होते हैं ठीक है बेसिकली मतलब राइट्स को इंपॉर्टेंस दिया गया इन्होंने बोला कि देखो अगर इंडिविजुअल ये बोलते थे ना दो तरीके के राइट्स एक तो सेल्फ रिगार्डिंग और अदर्स रिगार्डिंग ठीक है ये बोलते थे कि यार अगर तुम खुद के खिलाफ कुछ कर रहे हो तो भाई उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा तुम खुद के लिए कर रहे हो बट ए बेशर्त एक शर्त है कि क्या कि तुम इलीगल कुछ ना कर रहे हो दूसरा दूसरों के प्रति जो आपके एक्शन है उसको मैं कैसे चेक करूंगा हार्म प्रिंसिपल के बेसिस पे हार्म प्रिंसिपल क्या कि अगर तो आपके दूसरों के प्रति एक्शन से उनको कुछ नुकसान नहीं हो रहा तो वो चीज़ में स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा यानी कि स्टेट आपकी दखलअंदाजी नहीं करेगा लेकिन अगर आपके कुछ एक्शन है जिसकी वजह से दूसरों को हार्म हो रहा है तो स्टेट बेशक आपके बिल्कुल दखलअंदाजी करेगा किस बेसिस पे कि फर्स्ट की दूसरे पर्सन के जो राइट्स है उसको इन्फोर्स कराने लागू कराने के लिए और दूसरा संरक्षण यानी कि सिक्योरिटी प्रदान करने के जे एस मिल बेसिकली बहुत सारे लोगों से इंस्पायर्ड थे उनमें से एक डार्विन थे स्पेंसर थे और अगस्ता कॉम्टे ठीक है ये तीनों लोगों से वो इंस्पायर्ड थे अच्छा इधर कंसीडरेशन ऑन द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ये एक्चुअली एक बुक है कौन से ईयर में आई थी ये मुझे बताओ ये इसके आ, क्या बोलते हैं जे एस मिल ठीक है ये जे एस मिल जे एस मिल द्वारा लिखी गई है ये बुक सब्जुकेशन ऑफ द राइट ऑफ द वुमेन ये भी अनदर बुक है ठीक है इसका भी मुझे ईयर कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए ये भी आपकी जे एस मिल द्वारा लिखी गई है ऑन लिबर्टी इनका बहुत ही फेमस एक बुक है ठीक है ऑन लिबर्टी ये भी एक बुक है बट ये भी जे एस मिल द्वारा लिखी गई है बट इसका मैंने ईयर आपको दे ही दिया है एटीन फिफ्टी नाइन और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया था ठीक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है <laughs> नेक्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू जे एस मिल जे एस मिल के हिसाब से इट इज़ बेटर टू बी सोक्रेटेड देन अ पिक सेटिस्फाई इन्हें बता देती हूँ संतुष्ट सूअर की तुलना में सुक्रांत का असंतुष्ट होना बेहतर है क्योंकि उससे कुछ ना कुछ एक नई थ्योरी निकलेगी राइट नेक्स्ट है आपका द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसी किसके द्वारा लिखा गया था दिस वॉज रिटन बाय कार्ल मार्क्स प्लस आपके एंजल्स ठीक है इन दोनों के द्वारा ये कब हुआ था 1848 में पब्लिश हुआ था इंपॉर्टेंट फैक्ट है ध्यान रखना मार्क्सिस्ट जो थ्योरी है ना एलियनेशन ठीक है एक एलियनेशन यानी कि अलगाववाद का जो सिद्धांत है इनका अलगाव का सिद्धांत है ना मार्क्सिस्ट का ये कौन सी बुक में है ठीक है एक बुक का नाम है द इकोनॉमिकल एंड फिलोसफिकल मेन्यूस्क्रिप्ट ठीक है आर्थिक और दार्शनिक पांडुलिपिया इसमें है और इस बुक का मुझे ईयर आप कैसे बताओगे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे एलियनेशन ये कहते हैं चार तरीके से इंसान ना एलियनेटेड है अलग है एक तो नेचर से अलग हो गया है एक ह्यूमैनिटी से अलग हो गया है ठीक है प्रकृति से अलग हो गया है मानवता से अलग हो सक चुका है अपने फेलो वर्कर यानी कि साथी कार्यकर्ता से अलग हो चुका है और खुद से अपने खुद से भी अलग हो चुका है क्यों भाई टाइम ही नहीं होता पूरा टाइम काम करना पड़ता है वेजेस कम है वर्किंग आवर्स ज़्यादा है काल मार्क्स के हिसाब से जो का का, का का क्लास स्ट्रगल है ना वो कंटिन्यू रहेगा वो चलता ही रहेगा कौन सी क्लास के बीच में बुर्जवाजी एंड प्रोली और ये ठीक है जब तक एक क्लासलेस सोसाइटी नहीं बन जाती ठीक है जब तक क्लासलेस सोसाइटी नहीं बन जाती ये स्ट्रगल आपका चलते ही रहेगा एंटोनियो ग्राम्स की किससे रिलेटेड है कल्चरल हैजिमनी से रिलेटेड है ठीक है एंटोनियो ग्राम्स की सांस्कृतिक आधिपत्य से संबंधित हैं याद रखना अच्छा एक स्टेटमेंट है ये मुझे बताओ द आइडियाज ऑफ रूलिंग क्लास आर ऑलवेज द रूलिंग आइडियाज ठीक है यानी कि शासक वर्ग के विचार हमेशा शासक होते हैं किसने लिखा था ये काल मार्क्स ने ये चीज बोली है नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू एंटोनियो ग्राम्स की एंटोनियो ग्राम्स की के हिसाब से जो क्लास स्ट्रगल है मस्ट ऑलवेज इन्वॉल्व आइडियाज एंड आइडियोलॉजीज ठीक है आइडियाज़ डेट वुड मेक द रेवोल्यूशन एंड ऑल्सो डेट वुड प्रिवेंटेड ठीक है ये एक स्टेटमेंट है जो एंटोनियो ग्राम्सकी की है मैं बता देती हूँ आपको हिंदी में एंटोनियो ग्राम्सकी के अनुसार जो वर्ग संघर्ष में हमेशा उन विचारों और विचारधाराओं के विचारों शामिल करना चाहिए जो क्रांति करेंगे और जो इसे रोकेंगे ठीक है यानी कि विचारों पर बहुत बड़ा फोकस है एमटोनियोग्राम्सकी के हिसाब से जो रेवोल्यूशनरी इंटेलेक्चुअल्स है ना वो कहाँ से आने चाहिए वो बेसिकली ये बोलते थे कि रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल यानी कि जो आपके बुद्धिजीवी है इनका बहुत बड़ा रोल होता है किस में आपके कोई भी चेंज लाने में तो ये बोलते हैं कि जो रेवोल्यूशनरी जो रेवोल्यूशन करेंगे इंटेलेक्चुअल्स वो कहाँ से आने चाहिए वो आपके वर्किंग क्लास में से ही आने चाहिए क्योंकि उन्हीं को एक्चुअल प्रॉब्लम पता है उन्हीं को ही सॉल्यूशन पता है नेक्स्ट है आपके हैना आरड ठीक है हैना के बारे में मैं क्या बताऊं हैना आरंट बेसिकली कहाँ पे पैदा हुई थी हैना एरन पैदा हुई थी जर्मनी में और उनका सबसे पहला वर्क था ओरिजिन ऑफ टोटालीटेरियनिज़म ये इनका बुक था अब इस बुक का ईयर आप मुझे बताएंगे ठीक है द ह्यूमन कंडीशन भी इनकी बुक थी 1958 में आई थी ये मैंने आपसे पॉलिटिकल थ्योरी में पूछा था ये और फिर आपको सबको याद हो गया था ठीक है फ्रांस फैनन कहाँ पे पैदा हुए थे माल्टीनिक्यू फ्रांस में पैदा हुए थे ठीक है ब्लैक स्किन वाइट मास्क ठीक है ये एक बुक है जो कि फ्रांस फैनन द्वारा लिखी गई है कौन से ईयर में आई थी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ और कमेंट करना ना भाई जरूरी होता है ऐसे कोई ऑप्शन नहीं होता कि हाँ कमेंट नहीं करना ये करना क्योंकि इससे ना आप अपना ही भला कर रहे हो जो आप बोलते हो ना मुझे यार याद नहीं होते ऐसे ही याद होंगे डाइंग कॉलोनियलिज्म भी एक बुक है किसके द्वारा लिखी गई थी ये लिखी गई थी फ्रांस फैनन के द्वारा ईयर आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में द रेचर्ड ऑफ द अर्थ ये भी एक बुक है ये फ्रांस फैनन के द्वारा लिखी गई है Ferdinand नहीं है फैनन है ठीक है कब लिखी गई है भाई कब लिखी गई है ये ईयर आप मुझे बताओगे ठीक है नेक्स्ट आते हैं माओ माओजे दोंग माओ एसोसिएटेड है किससे कल्चरल रेवोल्यूशन से कभी भी आ जाए कल्चरल रेवोल्यूशन से यानी कि सांस्कृतिक क्रांति से कौन जुड़ा है तो आप माओ ठीक है अकॉर्डिंग टू एडमंड एडमंड बर्के की कोई एक स्टेटमेंट है सोल्यूशन वॉज बेस्ड ऑन एब्सट्रैक्ट राइट ऑफ अ मैन एंड वाइल्ड द इंग्लिश रेवोल्यूशन वॉज बेस्ड ऑन कस्टमरी राइट्स ऑफ इंग्लिश मैन अमेजिंग स्टेटमेंट है एडमंड के अनुसार समाधान मनुष्य के अधिकारों का सार पर आधारित था और जबकि अंग्रेजी क्रांति अंग्रेजी आदमी के प्रथागत अधिकारों पर आधारित थी इस तरीके की स्टेटमेंट यही बार आपसे पूछी गई थी अकॉर्डिंग टू टी एच ग्रीन टी एच ग्रीन के अनुसार आपके राइट्स आर आउटर कंडीशन फॉर द इनर डेवलपमेंट ऑफ मैन ठीक है अधिकार मनुष्य की आंतरिक विकास के लिए बाहरी परिस्थितियाँ हैं राइट नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू हीगल हीगल के अनुसार द वर्ल्ड एट एवरी स्टेज इज बोथ प्रोडक्ट एंड अ प्रोफेसी अच्छा ये आपको स्टेटमेंट आ सकती है पूछ सकते हैं कि भाई ये स्टेटमेंट किसने बोली है हीगल के अनुसार दुनिया का हर स्तर पर एक उत्पादन और भविष्यवाणी दोनों है अकॉर्डिंग टू हेरोल्ड लासवेल हेरोल्ड लासवेल के अनुसार पॉलिटिक्स इज अ साइंस ऑफ पावर ठीक है पॉलिटिक्स इज हु गेट्स वर्थ व्हेन एंड हाउ ठीक है अमेजिंग स्टेटमेंट है ये काफ़ी बार रिपीटेडली आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछी गई थी हेरोल्ड लासवेल के अनुसार राजनीतिक सत्ता का विज्ञान है राजनीतिक वह है जिसे कब कैसे और कैसे मिलता है ठीक है जिसे कब और कैसे मिलता है यानी कि क्या चीज़ मिलेगी कितनी पावर मिलेगी कैसे मिलेगी कब मिलेगी ये सब आपके क्वेश्चन है पावर से संबंधित कार्लाइल ठीक है कार्लाइल ने क्रिटिसाइज किया था आलोचना की थी किसकी बैनथम फिलो फिलासफ़ी की और बोला था कि क्या है ये पिक फिलासफी है कार्लाइल ने बेंथम के दर्शन को स्वर दर्शन के रूप में आलोचना की थी नेक्स्ट है कि कार्ल मार्क्स ने बोला था कि माई ओन एग्जिस्टेंस इज अ सोशल एक्टिविटी द एक्टिविटी एंड माइंड आर माइंड होगा ठीक है आर सोशल इन देयर कंटेक्सट एज वेल एज इन देयर ओरिजिन देयर सोशल एक्टिविटी एंड सोशल माइंड ठीक है उन्होंने बोला था कि यार मेरा अपना अस्तित्व एक सामाजिक गतिविधि और गतिविधि और बेसिकली मन उनके संदर्भ में सामाजिक है और साथ में उनके मन में उनकी सामाजिक गतिविधि और सामाजिक दिमाग भी है राइट right? ये किस क्यों बोल रखा है इतनी बड़ी स्टेटमेंट कभी भी आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना कि यार ये किसने बोला है तो भाई ये काल मार्क्स से रेपिटेडली पी क्यू में पूछा गया है जेस मिल ने क्या बोला स्टेट को क्या बोला एक मॉरल इंस्टीट्यूशन है विद अ मॉरल एंड ठीक है जेएस मिल ने राज्य को एक नैतिक जरिया बताया है नैतिक संस्था बताया है राइट आप सोचोगे कि यार जे मिल बनाएंगे बताएंगे नैतिक हाँ जी बताया है राइट स्टेटमेंट बेस्ड है कभी भी कंफ्यूजिंग हो सकता है माके वैली ने स्टार्ट सम मैन आर रूल्ड बाय फोर्स एंड सम अदर बाय लॉ इन्होंने बोला था कि यार देखो स्टार्टिंग में ना कुछ पुरुष तो बल द्वारा शासित किए जाते हैं और कुछ अन्य कुछ किसके द्वारा कानून द्वारा शासित किए जाते हैं इस तरीके से ये जो स्टेटमेंट है किससे एसोसिएटेड है किससे संबंधित है ये माके वाली से संबंधित है तो ये थे आपके वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट के कुछ तथ्य ठीक है कल से हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट के तथ्य करेंगे तो ये सारी बुक्स मुझे कमेंट सेक्शन में लिखा करो वीडियोस को हर जगह प्लीज प्लीज फेमस करो ठीक है चलो मिलती हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर हैव हाँ अ नाइस डे